नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तेजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान की फसल पकने के बाद किसानों को दो चीज़ें चाहिए, एक तो धान की क्वालिटी अच्छी हो जिससे कि रेट अच्छा मिले मंडी में, दूसरा पराली का प्रबंधन। हाथ की कटाई का रेट हमेशा कंबाइन की कटाई से ज़्यादा होता है। बड़ा कारण ये है कि चावल का ना टूटना, सारे धान के दानों में से साबुत चावल निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं, रेट अच्छा मिलता है। दूसरा चीज़ कंबाइन कटाई के बाद पराली के फानों को आसानी से मैनेज करना। कई किसानों ने जल्दी सब्जी, आलू, खीरा और भी चीज़ें लगानी होती हैं। आज की वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि कैसे कटाई तो कंबाइन से करवाएं तो फ़ायदा जो है ना वो हाथ की कटाई का मिले, कि चावल का दाना बिल्कुल न टूटे, सारे साबुत दाने आए, कोई दबाव ना हो, रेट मंडी में बहुत ज़्यादा अच्छा। नॉर्मल कंबाइन से हम कटाई करवाएं तो वो जो मटेरियल अंदर जाता है उसको 4 फुट में पीछे छोड़ देती है, बाद में उसके ऊपर हल नहीं चलते, वो ना कटते नहीं है, उसके अंदर सिलिकॉन होता है। लेकिन 2-3 साल पहले स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम वाली कंबाइन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, प्रशासन ने जरूरी कर दी थी। आप देख ही रहे हो कि क्या होता था कि भाई जो मटेरियल अंदर जाता था वो 14 फुट में पीछे जाके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पीछे फैल जाता था। हल चलाकर आसानी से सब कुछ खेत में मिक्स करना आसान था। फानों को आग लगाने की सोच कम हो रही थी, लेकिन अब ये वाली SMS जो है ना वो जरूरी नहीं है, कारण चाहे कोई भी हो। ये जो दूर एक कंबाइन आप देख रहे हो ना, 1 घंटे में 2 एकड़ की कटाई कर देती है। जापानी टेक्नोलॉजी है, नज़दीक से भी दिखाऊंगा, कुबोटा कंपनी की है। टैंक की कैपेसिटी भी 8 से 10 क्विंटल है नॉर्मल कंबाइन जितनी। मुझे बहुत पसंद आई, फ़ायदे का सौदा, सच्चा सौदा दिखाई दिया, तो एक वीडियो बना दी आपको दिखाने के लिए। टेक्नोलॉजी ही हमें आगे ले जा सकती है। अब आप देख रहे हो कि पराली को ज़मीन से काट रही है और बड़े ही सिस्टम से लाइनों में पराली को रखा हुआ है। दानों की, चावल की, धान की थ्रेशिंग के बाद पराली की आजकल ना डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये जो है ना थ्रेशिंग झराई तो बिल्कुल हाथ की कटाई जैसी है। पराली तो सीधी लाइनों में आप देख ही रहे हो। अब 1-2 दिन सुखाने के बाद इस पराली को बांधकर आप प्रयोग कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो। अब तो कई बायोफ्यूल प्लांट खुल गए हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी सहयोग कर रही है पराली मैनेजमेंट में, कई गत्ता फैक्ट्री वाले भी इसको खरीद रहे हैं। आम कंबाइन से, जो नॉर्मल कंबाइन से हम कटवाते हैं, उससे कटाई के बाद जो मटेरियल पराली कंबाइन से बाहर निकलती है, आपको पता है उसको मिलाना जो है ना बहुत बड़ी एक समस्या है। अच्छा, आपने एक चीज़ इसमें ध्यान से देखो, एक ख़ास बात और है, आप इसके पहिए देखो ध्यान से, तो मोटी चेन है, पट्टा सिस्टम है, जैसे टैंक में होता है ना, तो खेत गीला हो या पानी खड़ा हो, फसल को आराम से काट कर बाहर आ जाएगी, कहीं पर धंसेगी नहीं, फंसेगी नहीं। आप देख लो ये जो इसके पहिए हैं, जो इसमें ये सिस्टम बनाया हुआ है, तो इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट के लिए ट्राली के ऊपर चढ़ा कर ला के लाना पड़ता है, सड़क के ऊपर नहीं चल सकती, बस एक ये कमी है। और पीछे मान लो पराली का फ़ायदा है, अगर हम नॉर्मल कंबाइन से कटवाते हैं तो उसके बाद मल्चर से पहले छोटे टुकड़े करो, फिर रोटावेटर से मिक्स करो, तो बहुत महंगा पड़ता है, सबके पास महंगी जो है ना मशीनें भी नहीं होती। पराली का सारा बाहर रहना, साफ सुथरा, हरा भरा, ताज़ा होना इसीलिए हो पाता है क्योंकि पराली कंबाइन के अंदर जाती ही नहीं। कटाई झराई इस तरह से होती है कि सिर्फ बालियां ही अंदर जाती हैं, वहाँ से दानों की झराई होती है, दानों पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, दाने टूटते भी नहीं हैं, क्वालिटी और रेट अच्छा बनता है, और पराली पीछे लाइनों में गिरती रहती है हमारे 100% प्रयोग के लिए। हमारे काम आ जाए पराली, इसको हम स्टोर करें, रखें, बेचें, सुखाएं, जो मर्जी करें, पराली का आजकल रेट भी आपको पता है। फसल की कटाई क्वालिटी तो ऐसी जैसे हाथ से काटी हो। बासमती का रेट हो सकता है कि आपको 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मिले मंडी में, कहीं मौका लगे तो ज़रूर कटाई करवा के देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू जी।